फ्रेंड्स, टेंथ क्लास में हमने पहले संधि पढ़ी, सॉरी नाइन्थ में संधि पढ़ी। संधि के साथ साथ संधि का, स्वर संधि का फर्स्ट भेद हम पढ़ चुके थे, जो थी हमारी दीर्घ संधि। सेकंड है बेटा गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण। अब इसकी परिभाषा क्या है? अ आ इत्य अनयो पश्चात ई ऊ री री के वेति वर्ण आगच्छति च एत क्रमशः ए ओ अर अल वा भवति। देखो इसको समझो, ये कह रहा है कि यदि अ आ के पश्चात अर्थात बाद में, यानी कि पहले पद में क्या हो, पूर्व पद में क्या मिले हमें, अ और आ, इसके बाद यदि ई ऊ री री इन चारों ही वर्णों में से कोई भी वर्ण आगच्छति मीन्स आ जाता है, आता है, तो क्रमश यानी क्रम से ए ओ अर अल हो जाता है, वा भवति यानी हो जाता है। ई का क्रम से क्या आएगा, जैसे यहाँ क्रम क्या दे रखा हमने, ई फर्स्ट नंबर पे है तो ई का क्या बनेगा, ए बन जाएगा। उ है, उ का क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। वी, वी का क्या बनेगा, अर बन जाएगा। और री, इसका बनेगा अल। जहाँ कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि संस्कृत में हम री को भी स्वर मानते हैं। तो ये क्रम से होगा, यानी कि ई का ए ही होगा, उ का ओ ही बनेगा। तो ये इसको गुण कर जाएगा। परिभाषा आप हिंदी में दोबारा देख ले, नोट कर लेना। अ आ के बाद ई ऊ री री आदि स्वर यदि आते हैं तो इन दोनों के वर्णों के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। उदाहरण देखें हम इसका। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, दीर्घ पढ़ी थी। दीर्घ में क्या था हमारा, पूर्व पद में और पर पद में दोनों में क्या था, एक ही समान वर्ण थे, ह्रस्व था या दीर्घ था, लेकिन एक ही वर्ण था, तो हम उसको क्या कर रहे थे, सवर्ण दीर्घ कर रहे थे। और अब हम क्या करेंगे, गुण करेंगे। गुण कब करेंगे, जब अ आ के बाद, यानी कि जो पूर्व पद है हमारा, पहले वाला पद है बेटा, उसमें यदि अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, और उसके बाद पर पद में, पर पद कहाँ आता है, प्लस के बाद वाला, तो बाद वाले पद में पहले ई हो, ऊ हो, वी हो या ली हो, तो इनके स्थान पर हम दोनों वर्णों के स्थान पर गुण कर देते हैं। जैसे आप पढ़ें, जैसे हमारा एक शब्द है महेंद्र, इसका हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, देखो संधि विच्छेद करेंगे हम इसका, महा धन इंद्र, महाधन इंद्र। अब हा के अंदर क्या है बेटा, आ, किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, और पीछे क्या मिल रहा है हमें, ई। हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि पूर्व पद में क्या हो, अ आ, तो यहां पहला वाला इस पद को हम पूर्व पद कहेंगे और इस पद को पर पद कहते हैं। तो पूर्व पद में आ क्या है, आ, और आ के बाद क्या आ रहा है, ई। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या गुण करेंगे, ए। तो ये ए गुण करेंगे। अब इसको कैसे समझाएंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, म ह, ह में मैंने क्या किया, हलंत लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमने ह में से आ निकाल लिया, तो हमने क्या किया, इसको आधा कर दिया। अब यहां क्या बचता है, ई और द्र। अब इसका हमने क्या किया, म ह जैसा का जैसा उतार दिया, प्लस आ ई को क्या गुण करा, ए गुण करा, क्योंकि ई का क्या गुण होगा, ए गुण होगा। तो इसके बाद हमने ए लिख दिया और आधा न द्र। अब इनको यदि हम संयुक्त करते हैं तो ये संयुक्त करने पर महेंद्र बनता है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखें, ये हुआ क्लियर। सेकंड देखो आप इसी का, एक उदाहरण और है, परोपकार। क्या आता है बेटा, परोपकार,
इसका हम संधि विच्छेद यदि करते हैं तो ये संधि विच्छेद बनती है हमारी परधन उपकार। क्या बनता है? परधन उपकार। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका भी और बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? र में क्या है? अ, बोल के देखते हैं हम किसकी ध्वनि आती है, अ की। जब अब हम स्वर को इसमें से निकाल देंगे तो हमारा जो र है व्यंजन वर्ण है, ये क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन पूरा कब होता है? जब इसमें स्वर मिला हुआ होता है। तो पर में से हम व्यंजन स्वर निकाल देंगे, तो ये हमने निकाल दिया बेटा अ, निकाल दिया। अ के बाद इसमें क्या किया हमने, क्या जोड़ा? उपकार। अब जब उपकार शब्द हमने जोड़ दिया इसके अंदर, तो अ और उ को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कौन सा गुण करते हैं? ओ गुण कर देते हैं। तो ये यहाँ क्या कर देंगे हम, इसको ओ कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसा का जैसा लिख देंगे। अब पीछे क्या बचता है हमारा, उ तो इसमें संयुक्त हो गया, मिल गया, तो क्या बचा? पकार। तो हम इसको लिख देंगे पकार। अब जब इनको पूरे वर्णों को मिलाएंगे, संयुक्त करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? प, र में ओ मिलाया रो, प कार, परोपकार। इस तरह से हमारा ये भी पूरा होता है। अब इसके बाद हम आगे एक और उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण आता है हमारा